फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्पेशली उनके लिए खास है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना पेट ही घटाना है। उनकी बॉडी पर कहीं भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट नहीं है, ना उनका वज़न बहुत ज़्यादा है, उनका सिर्फ और सिर्फ पेट ही बाहर निकला हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं मात्र एक योगासन बताने वाली हूँ और एक दो सिंपल सी छोटी छोटी ट्रिक बताऊँगी, जिनको अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आपका जो पेट है वो बिल्कुल अंदर चला जाएगा और जो सिर्फ और सिर्फ आपके पेट पर चर्बी जमा हो गई है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मुझे बहुत सारे लोग यही कमेंट्स करते हैं कि मैम, हमें अपना वजन नहीं घटाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना पेट ही घटाना है। कई सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि मैम, हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं, जब भी डाइटिंग करते हैं तो हमारा और ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है, हमारा जो चेहरा है वो बिल्कुल पतला हो जाता है, लेकिन ये जो पेट है वो नहीं घटता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा डाइटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको खाना छोड़ने की ज़रूरत है, आपको अपना जो खाना खाने का तरीका है उसको बदलने की ज़रूरत है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी वो खाना खाने बैठते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, यानी कि खाना खाते समय उनको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है, वो अपना जो खाना है, जो निवाला है, उसको अच्छे से चबा चबा कर नहीं खाते हैं। ऐसे में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका जो खाना है वो पेट में जाकर बैठ जाता है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसके बाद क्या हुआ कि आपका पेट फूलेगा, आपको बहुत ज़्यादा गैस बनेगी, आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होगी और ये जो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो सीधा सा जाकर आपके पेट की चर्बी में, यानी कि फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो अपने खाने को, अपने खाने के हर निवाले को अच्छे से धीरे धीरे चबा चबा कर, और जब आप अपने खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाते हैं तो आप ओवर ईटिंग से बचाते हैं और आपको डाइजेशन संबंधित बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इससे आपका पेट कभी भी नहीं निकलेगा। दूसरा आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप खाना खाते हैं, चाहे आप दोपहर को खाएं या फिर शाम को खाएं, यानी कि आप हैवी मील लेते हैं, उसके 20 से लेकर 25 मिनट बाद आपको हल्की फुल्की वॉक जरूर करना है। कई बार हम खाना खाने के बाद सीधा सा लेट जाते हैं या फिर काम होता है कई लोगों को ऑफिस का, तो वो बैठे बैठे काम करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा सिर्फ और सिर्फ पेट ही निकलता है। तो खाना खाने के 20-25 मिनट बाद आपको हल्की फुल्की वॉक जरूर करना है, जितना भी आपके पास समय होता है, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट आपको वॉक जरूर करना है। इससे आपकी कैलोरीज तो बर्न होगी ही होगी, आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और यकीन मांगिए फ्रेंड्स, आपका फिर पेट कभी भी नहीं निकलेगा। बाकी आपको कौन सा योगासन करना है चलिए बताती हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से आ जाना है, अपने घुटनों पर बैठ जाना है। अगर आपको घुटने में दर्द की समस्या रहती है तो यहाँ पर एक पतला सा आप पिलो या फिर कोई भी कपड़ा वगैरह लगा सकते हैं। इस तरीके से बैठना है, सीधा सा बैठ कर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अपने हाथों को सीधा करेंगे और अपने हाथों की मुट्ठियों को हम बंद करेंगे और अपने पेट पर, यानी कि जो नाभि का हिस्सा होता है यहाँ पर, देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम अपने हाथों को, अपने हाथों की जो मुट्ठियाँ हैं उनको रख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, सांस को छोड़ते हुए और हल्का सा अपने पेट को बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रेशर करते हुए नीचे जाना है, इस तरीके से। यहाँ पर आपको थोड़ा सा 2 से लेकर 4-5 जितना सेकेंड आप रुक सकते हैं इजली, ज़बरदस्ती नहीं करना है, थोड़ा सा ही रुकेंगे, वापस आएंगे, रिलैक्स, इस तरीके से आपको करना है। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधिए, अपने नाभि के पास रखिए और सांस को छोड़ते हुए जाइए। जब आप इस तरीके से करेंगे ना तो आपका पेट कितना ही ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, आपका पेट पहले दिन से अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान रखें, आपको बहुत ज़्यादा अपने पेट को प्रेशर नहीं करना है। ठीक है, प्रेशर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से ही करना है। देखिए, ध्यान क्या रखना है, जब नीचे जाते हैं तो सांस को छोड़ना है और जब वापस आते हैं तो सांस को खींचना है। दो बार और प्रैक्टिस बताती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक बताऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5 इससे अगर आपके पेट में गैस वगैरह बनी हुई है, आपको डाइजेशन संबंधी समस्या है, वो भी आपकी पहले दिन से ही खत्म हो जाएगी।
ध्यान क्या रखना है, अगर आपको हर्निया की प्रॉब्लम है, अगर आपकी अभी भी सर्जरी हुई है 6 महीने से अंदर में पेट संबंधित कोई भी सर्जरी हुई है तो आप इस योगासन को नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको करना है फ्रेंड्स 8 से लेकर 10 बार। ध्यान रखें हमेशा आपको खाली पेट करना है, खाना खाने के बाद इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इसको खाना खाने की बात करते हैं तो आपको डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये आपके पेट को बहुत ज़्यादा प्रेशर करता है, पेट को अंदर की तरफ धकेलता है, तो खाना खाने के बाद नहीं करना है, ठीक है। खाना खाने का अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम 4 घंटे बाद ही आप इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट ट्रिक जिससे आपका पेट बहुत तेज़ी से कम होगा। सीधा सा बैठ गए, इस तरीके से कमर को सीधा रखेंगे और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ध्यान क्या रखना है, सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है बिल्कुल थोड़ा सा, और सांस को छोड़ते हुए ऊपर जाना है। सांस को छोड़िए, नाक से सांस को खींचेंगे और मुंह से सांस को छोड़ेंगे। कितनी बार करना है, कम से कम 20 से लेकर 25 टाइम। ये स्पेशली आपके पेट के हिस्से को बहुत ज़्यादा टारगेट करती है, आपके पेट में जो अंदर टॉक्सिन्स वगैरह जमा हो गए हैं उनको बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ निकाल देगी, आपके पेट को पूरी तरीके से डिटॉक्स कर देगी। अब मैं आपको एक ट्रिक और बताने वाली हूँ, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैर को सीधा करके बैठ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, एक पैर को पकड़ना है इस तरीके से और इसको धीरे धीरे अपने पास लाएंगे अपनी छाती की तरफ और पेट को अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेशर करेंगे, सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ देखना है, अपने फेस को ऊपर की तरफ रखिए, यानी कि अपने घर की छत को देखने की कोशिश करिए। सीधा इसी तरीके से दूसरे पैर को, एक बार साइड से दिखा देती हूं ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। देखिए जब आप इस तरीके से करते हैं ना तो आप देखेंगे आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ जा रहा है। पहले दिन से ही फ्रेंड्स आपको इसके फायदे मिलने वाले हैं, यकीन मानिए। बस हमें ध्यान क्या रखना है, धीरे धीरे करना है, जल्दी जल्दी इन योगासन को इन ट्रिक को नहीं करना है, सांस का ध्यान रखना है। सांस को छोड़ेंगे, रिलैक्स, जब अपने पैर को लाते हैं तो सांस को छोड़ देना है, और जब अपने पैर को छोड़ते हैं तो सांस को हमें खींच लेना है। और फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि जब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, आपको गैस वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है, आपके जो पेट की जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता है, तभी स्पेशली जो सिर्फ और सिर्फ पेट निकलने की प्रॉब्लम है वो होती है, और जो कि इन योगासन से इन ट्रिक से आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, और आपका पेट पर कितनी ही ज़्यादा चर्बी जमा है बिल्कुल आसानी से कम हो जाएगी। ये तो थी आज के इस वीडियो की जानकारी, कैसी लगी आपको ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आज के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया था तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक अपने आप को हमेशा फिट रखें।